वेलकम फ्रेंड्स तो आज के सेशन के अंदर हम जो सेल बायोलॉजी हैं उस सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के सेक्शन थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सेक्शन थर्ड है वो सेक्शन थर्ड है कि मेम्ब्रेन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट और पोटेंशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का पोटेंशियल कैसा है एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है उसके ऊपर अभी तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल है काफी सिंपल है एक-एक क्वेश्चन -एक को हम डिस्कस करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस सेक्शन के अंदर वो क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंट रेगुलेटर इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हिच आयन कि कहा जा रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेंब्रेन कंडक्ट एंड रेगुलेटर ऑल्सो नोन एज सी एफ टी आर ये किस आयान के लिए विच आयान के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा यह सी एफ टी आर चैनल का स्ट्रक्चर है और सी एफ टी आर चैनल जो भी है वो सी एफ टी आर चैनल से जो आयन ट्रांसपोर्ट होता है वो आयन है क्लोरिन आयन तो इस क्लोरीन आयन की ट्रांसपोर्ट होती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सी एफ टी आर चैनल से किस आयन की ट्रांसपोर्ट होती है तो क्लोरीन है ये कब पूछा गया था तो ये जून 2015 के अंदर आया हुआ पार्ट बी के अंदर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इक्वेशन है कोई इसके अंदर जो भी है बड़ी बात नहीं है देन उसके बाद जो भी है इस क्वेश्चन को आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये दिसंबर 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इक्वेशन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा है पहला पूछा है पहला स्टेटमेंट ये है कि पोलार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि आप आयंस चार्ज हैं और जो भी है लार्ज मॉलिक्यूल्स है पोलार मॉलिक्यूल्स है विल नॉट क्रॉस द सेल मेमर इन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर और ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही साबित होता है क्योंकि पोलार मोलिक्यूल्स और चार्ज आयन जो भी है जब तक कोई उनके लिए ट्रांसपोर्टर या कोई आय चैनल ना हो तब तक अंदर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकते ईच प्रोटीन कैरियर्स ओनली फाइंड एंड ट्रांसपोर्ट वन टाइप ऑफ सोल्यूट वन और फ्यू टाइप ऑफ सोल्यूट हर ट्रांसपोर्टर जो भी है अपनी स्पेसिफिक तरीके की एक्टिविटी रखता है तो अपनी एक ही तरीके का जो भी ट्रांसपोर्टर को जो भी है ट्रा, ट्रांसफर करिए सुगर साचार ग्लूकोज शुगर जो है ग्लूकोज है वो ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट रदर देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन यही स्टेटमेंट जो भी गलत है ये इस स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ग्लूकोज एक पोलार मॉलिक्यूल है और पोलार मॉलिक्यूल जो भी हैं वो फैसेलेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टर से अंदर की तरफ आ सकता है जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है और एग्जाम्पल क्या है तो एग्जाम्पल है ग्लू ट्रांसपोर्टर का ग्लू ट्रांसपोर्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैसिलिटेड डिफ्यूजन ग्लू ट्रांसपोर्टर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है कि जिससे अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ग्लूकोज की अमाउंट सराउंडिंग मीडियम के अंदर ज़्यादा है और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन सराउंड जो भी है सेल के अंदर कम है तो ग्लूकोज जो भी है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा ग्लूकोज अपनी हाई कंसेंट्रेशन से ग्लूकोज अपनी लो कंसेंट्रेशन की तरफ आ रहा है तो ये डिफ्यूजन ही है लेकिन कैसा डिफ्यूजन है ट्रांसपोर्टर से ग्लू ट्रांसपोर्टर से मीडिएटेड है तो ये कैसा डिफ्यूजन हुआ इसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये कहना है कि शुगर जो भी है हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्लूकोज का वो कभी पैथ ट्रांसपोर्ट से फैसिलिटेड डिफ्यूजन से जा नहीं सकती यही सबसे गलत है वन आयंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाई स्पेशल प्रोटीन दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल सही है क्योंकि अगर आयांस को अंदर आना है तो आयांस को अंदर आने के लिए यहां पे क्या चाहिए तो तो लिपिड बाय को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे लेकिन इट रिक्वायर्ड तो है ग्लूकोज है उनके लिए भी किसकी जरूरत है तो ट्रांसपोर्टर्स है उन ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत है अगर ट्रांसपोर्टर होंगे तो अंदर की तरफ आ सकता है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है देन नेक्स्ट और देखिए समझने की बात यह है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो भी है ऑप्शन ही आ रहा है ऑलवेज और हमेशा याद रखिए कि लाइफ साइंसेस के अंदर इज इन साइंस ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन है साइंस के हम कह सकते हैं इज इन साइंस ऑफ एक्सेप्शन लाइफ साइंस के अंदर हम एक एक्सेप्शन ढूंढेंगे तो हमें हजार एक्सेप्शन मिलना शुरू हो जाएंगे तो इसलिए अलवेज स्टेटमेंट कहीं पे आता है तो जनरली वो स्टेटमेंट जो भी गलत ही होता है तो ऐसा कह रहा है कि शुगर जो भी है वो ग्लूकोज है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजी जाएगी ऐसा नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी मॉलिक्यूल को लो कंसनट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ भेज रहे हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ भेजना तो कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही हमेशा भेजा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से भेजा ही नहीं जाता ये स्टेटमेंट गलत ही है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता हैं देखिए एट पी एस सेवन जो पी एस सेवन है इस पी एस सेवन के ऊपर ट्रिप्टोफैन जो भी है ये ट्रिप्टोफैन अमाइनोसीड है ट्रिप्टोफैन क्या है तो ट्रिप्टोफेन एक अमाइनोसीड है और ये ट्रिप्टोफेन अमाइनोसीड का काम क्या है तो ये ट्रिप्टोफैन अमाइनोसीड जो तो भी है ये एक अगर आपको बता दूँ तो एक नॉन पोलार अमाइनोसीड है एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है और साथ साथ आपको मैं बता दूं तो ये एक हाइड्रो नॉन पोलर और साथ साथ हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं और हाइड्रोफोबिक के साथ साथ ये एक एरोमेटिक एसिड है ऐसा है तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट पी एस सेवन जो पी एस सेवन है ट्रिप्टोफैन जो भी है वो क्रॉस करता है लिपिड बाइलेयर को ट्रिप्टोफैन क्रॉसेज अ लिपिड बाइलेयर एट अबाउट वन थाउजेंड द रेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस इंडोल्ड इतना तो जो क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस है इंडोल्व है उसके कंपेरेटिव वन थाउजेंड रेट ये ट्रांसफर करता है द करेक्ट एक्सप्लेनशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो भी है इस ऑब्जर्वेशन के लिए पी एच सेवन है उस पी एच सेवन के ऊपर क्या हैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है अब देखो ट्रिप्टोफैन है और ट्रिप्टोफैन जो भी है एक अमाइनोसिड है और अमाइनोसिड जो भी है पी एच सेवन के ऊपर है अगर पी एच सेवन के ऊपर है तो जो भी ज्यादातर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो पी एच सेवन के ऊपर ज्विटर आयन फॉर्म के अंदर होते हैं और ज्विटर आयन फॉर्म के अंदर होते हैं मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट हम कहते हैं कि पीएच सेवन के ऊपर इस ट्रिप्टोफैन के ऊपर जो भी है एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक निगेटिव चार्ज होगा मतलब ओवरऑल अगर ट्रिप्टोफैन के ऊपर देखा जाए तो चार्ज जीरो होगा ओवरऑल ट्रिप्टोफैन के ऊपर चार्ज क्या होगा जीरो होगा एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है मतलब ओवरऑल ट्रिप्टोफैन के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है मतलब ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज जीरो है मतलब जहाँ पे चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर अब कोई चार्ज ही नहीं है तो पी एच सेवन के ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो अपनी ज्विटर आयन फॉर्म में आते हैं ज्विटर आयन फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जिसके ऊपर अब अमाइनो एसिड के ऊपर पी एच सेवन के ऊपर हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक निगेटिव चार्ज होगा तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो ओवरऑल चार्ज कितना होगा अमाइनो एसिड के ऊपर तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के ऊपर ओवरऑल तो चार्ज जो भी होगा वो जीरो होगा तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ट्रिप्टोफैन पी एस सेवन के ऊपर जो भी है वो क्लोजली रिलेटेड एंडॉल से वन थाउजेंड रेड जो भी है ज्यादा ये ट्रिप्टोफैन जो भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है अब देखिए ट्रिप्टोफेन एक एसिड है और अमाइनो एसिड है मतलब ये जो भी है पोलार मोलिक्यूल है या हम कह सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन एक लार्ज मॉलिक्यूल है ठीक है नॉन पोलार है लेकिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है और लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसफर कैसे कर सकता है तो देखो पी एस सेवन के ऊपर ये कह रहा है कि निगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा ये दोनों गलत हो गए ट्रिप्टोफैन बी एस पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सही है ट्रिप्टोफैन के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों है मतलब चार्ज जीरो है और चार्ज जीरो है इसलिए वो फास्टर रेट से ट्रांसफर हो रहा है ट्रिप्टोफैन कैन नॉट बाइंड टू ट्रांसपोर्टर अगर उसको ट्रांसपोर्टर होना है तो उसको ट्रांसपोर्ट के साथ वो बाइंड ही नहीं हो रहा है ये बात गलत है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट इसका आंसर क्या है थर्ड है क्योंकि पी एस सेवन के ऊपर ट्रिप्टोफैन जिटर आयन फॉर्म के अंदर होगा जब उसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा तो फास्टर रेट से जो भी उसके ट्रांसफर होगी इन क्वेश्चन फोर देखिए ये दिसंबर 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन थ्री आपने जो भी पढ़ा ये दिसंबर 2013 के अंदर आया हुआ है और ये भी दिसंबर 2013 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ईकोलाय प्रोलीफरेट फास्टर ऑन ग्लूकोज ई कोलाय है एक बैक्टीरिया है ये ई e कोलाई जो भी हैं वो अगर ग्लूकोज हो मीडियम में तो मीडियम में अगर ग्लूकोज़ है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर ये ई e कोलाई क्या करती है वो फास्टर प्रोलीफरेट होती है ठीक है देन डज ऑन लैक्टोज किसके कम्पेरेटिवली लैक्टोज के कंपेरेटिवली अगर यही ई कोलाई है बैक्टीरिया है ये ई e कोलाय अगर लैक्टोज के मीडियम तो के ऊपर प्रेजेंट होगी तो लैक्टोज के कम्पेरेटिवली ग्लूकोज के मीडियम के ऊपर ग्रो फास्टर करती है तो ग्लूकोज के मीडियम के ऊपर इसकी नंबर जो भी फास्टर ग्रो करती है लैक्टोज के मीडियम के ऊपर पड़ती है लेकिन इतनी फास्टर ग्रो नहीं होती इसके पीछे का रीज़न क्या होगा इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए कि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकेरटिक सेल हो कोई प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो जो तो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है वो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स कौन सा है तो ग्लूकोज है क्योंकि प्रेफर्ड जो एनर्जी सोर्स है वो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स हम कहते हैं ग्लूकोज ही है क्यों क्योंकि हमारी सेल के अंदर ग्लैकोलिसिस है कहीं पे गैलेक्टोलिसिस क्या कहीं पे मैनोलिसिस कहीं पे लैक्टोलिसिस ऐसा नहीं है ठीक है और ग्लूकोज क्या है प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है और ये क्या है तो मोनोसेक्राइड है ये क्या है तो एक मोनोसेक्राइड है दूसरा लैक्टोज है लैक्टोज क्या है तो लैक्टोज प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स नहीं है और लैक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक डाइसेक्राइड है क्या है तो एक डाई है दो शुगर से बनी हुई है कौन से कौन से दो शुगर से लैक्टोज बना हुआ है तो एक है गैलेक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से ये आपकी जो भी लैक्टोज शुगर है वो लैक्टोज शुगर बनी हुई है तो ऐसा क्या है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर इक्वल है बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और लैक्टोज के मीडियम के ऊपर जल्दी से ग्रो नहीं हो पाते तो पहला है दे टेकन अप मोर स्लोली देन ग्लूकोज यही इसका सही आंसर है कि ग्लूकोज को ईक्लाई बहुत फास्टर रहते हैं और लैक्टोज को अपटेक जो है लैक्टोज की अपटेक जो भी है इतनी फास्टर नहीं होती दे मोर स्लोली देन ग्लूकोज लैक्टोज के कंपेरेटिवली सॉरी ग्लूकोज के लैक्टोज को सेल के अंदर जो भी है बहुत कम जो भी है स्पीड के अंदर आया जाता है स्लोली आता है नॉट हाइड्रोलाइज बाई ये गलत है लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए ई e कोला के पास बीटा बीटागलेक्टोसाइडिस नाम का एंजाइम होता है जो लैक से एक्सप्रेस होता है तो ये सेकंड गलत हो गया है टेकअप फास्टर देन ग्लूकोज अगर ग्लूकोज से लैक्टोज फास्टर आता

ये भी दिसंबर 2013 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है कि increasing lipid permeability, lipid की permeability किसकी increasing है अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है गैस दिया है गैस के बाद में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दिए हैं फिर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स दिए हैं फिर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है और उसके बाद में आया है तो गैस सबसे पहला होना चाहिए गैस कहाँ पे सबसे पहले है तो यहाँ पे जो भी गैस है क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे वाटर है वाटर है मतलब ये पोलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर है ये नहीं आएगा कैल्शियम तो नहीं आएगा क्योंकि कैल्शियम की तो मूवमेंट हो तो ही नहीं पाएगी कैल्शियम सबसे लास्ट के अंदर जो भी होना चाहिए इथेनॉल भी नहीं आएगा क्योंकि इथेनॉल जो भी है वो पोलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर आता तो सबसे पहले कौन आना चाहिए तो सबसे पहले आना चाहिए आपका नाइट्रोजन और गैस गैस के बाद में जो भी है बाकी का लगेगा और फिर अब जो भी है तीनों ऑप्शन चले जाते हैं फिर एक ही ऑप्शन जो भी है वो सही है लेकिन अब नाइट्रोजन के बाद में कौन आना चाहिए वैसे सही ऑर्डर जो होनी चाहिए ना वो नाइट्रोजन होना चाहिए नाइट्रोजन के बाद में जो भी है वो वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए क्योंकि वाटर का डायमीटर कम है इथेनॉल की कंपैरेटिवली फिर ग्लूकोज होना चाहिए क्योंकि पोलार और लार्ज साइज़ है ग्लूकोज उसके बाद में फिर जो भी आयान्स है उन आयन्स की परमेबिलिटी होनी चाहिए और सबसे आर जो भी लास्ट में होना चाहिए क्योंकि आर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो इथेनॉल पहले है वाटर पहले नहीं है लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास जो सही है वो कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन तो कौन सबसे परमेबल होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा परमेबल है देन नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं पोलर स्मॉल साइज के पोलर लार्ज साइज के और चार्ज आय पोलर लार्ज साइज और चार्ज आय की तो मूवमेंट ही अंदर की तरफ नहीं हो पाती है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स एसिडिल कोलिन इज अ पोटेंट न्यूरो ट्रांसमीटर

मोलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल मतलब कंडीशन ऐसी है कि ये एक न्यूरॉन है एक न्यूरॉन है सपोज न्यूरॉन ए है इस न्यूरॉन ए ने क्या किया तो इस न्यूरॉन ए ने यहाँ से जो भी है एसिटिल कोलिन को रिलीज कर दिया और एसिडिल कोलिन क्या है तो एसिडिल कोलिन हम यहाँ पे बात करें कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है उस न्यूरो ट्रांसमीटर को यहाँ पे क्या कर दिया है तो रिलीज है रिलीज कर दिया एसिडिल कोलिन को जैसे ही यहाँ से जो भी है रिलीज है रिलीज किया तो एसिडिल कोलिन को, को रिलीज करने की वजह से एसिडिल कोलिन को रिलीज़ किया तो एसिडिल कोलिन को रिलीज़ करने के बाद एसिडिल कोलिन जो भी है वो क्या हुआ तो एसिडिल कोलिन अब किसी दूसरी ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन जो भी है वो बी है न्यूरॉन बी है इस न्यूरॉन बी की मेम्ब्रेन है इस न्यूरॉन बी की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एसिडिल कोलिन का जो भी रिसेप्टर है वो रिसेप्टर प्रजेंट और एसिडिल कोलिन का रिसेप्टर इस न्यूरॉन बी की मेम्ब्रेन के ऊपर होने की, की वजह से एसिडिल कोलिन जैसे ही इस न्यूरॉन न्यूरोन एसिडिलकोलिन जैसे ही अपने इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है ये क्या है इसे हम कहते हैं ये एसिडिल कोलिन का रिसेप्टर है और एसिडिलकोलिन के इस रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही बाइंड हुआ तो बाइंड होते ही एसिडिल कोलिन ये इस रिसेप्टर जो भी है वो खुल जाता है और रिसेप्टर खुलने की वजह से यहाँ से सोडियम आयंस के अंदर की तरफ एंटर होना शुरू हो जाता है ये जो सेल है ये जो न्यूरॉन ए की जो भी मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है जिसमें प्री सिनेप्टिक इसे कहा जाता है जिसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिप्रेजेंट करें इसे क्या कहेंगे तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ यहां पे जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी इंट्रैक्शन कर रहे हैं इसे कहेंगे सिनेप्स। ये क्या है तो सिनेप्स है और सिनेप्स की फॉर्मेशन तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एसिडिल कोलिन एक पोटेंट न्यूरो है जिसे न्यूरोन करते हैं

एसिडिलकोन का जो भी है वो रिसेप्टर है, है। एसिडिलकोन के रिसेप्टर के ऊपर यहाँ पे कौन बाइंड हुआ है तो एसिडिलकोन के रिसेप्टर के ऊपर यहाँ पे आपका एसिडिल कोलिन बाइंड हुआ है एसिडिल कोलिन की यहां पे बाइंडिंग की वजह से कौन से आयन अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है मतलब एसिडिल कोलिन एक लिगैंड है और वो लिगैंड बाइंड हो रहा है सिग्नलिंग लिगैंड का मतलब होता है स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगैंड ये जो वर्ड है इस लिगैंड वर्ड का मतलब क्या है तो लिगैंड एक जनरल वर्ड है और लिगेंड एक जर्ड जो जनरल वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये जो छोटा सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये छोटे से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं तो एक लिगेंड है इस एसिडिलकोन एक लिगेंड की वजह से आयन चैनल ओपन अप होता है मतलब ये प्रोटीन दो काम करता है एक तो एसिडिलकोलिन को अपने साथ बाइंड भी कराता है मतलब रिसेप्टर का भी काम कराता है और रिसेप्टर के साथ साथ क्या कराता है चैनल का भी काम कराता है तो मतलब रिसेप्टर है तो के साथ बाइंड भी हो रहा है और बाइंड होने के बाद चैनल भी ओपन अप हो रहा है है तो ये कैसा गेटेड मतलब की प्रेजेंस की वजह से ओपन होने वाला चैनल है हम कह सकते हैं कि ये जो भी किसका एग्जाम्पल है तो यह एग्जाम्पल है लिगेंड गेटेड आयन चैनल का, so तो तो का क्योंकि

क्वेश्चन नंबर सेवन जो भी है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का जैसा ही है देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उस क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपको जो पूछा गया है वही सवाल सेम सवाल और क्वेश्चन नंबर सिक्स कब आया है दिसंबर 2019 के अंदर लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर जो आया हुआ सवाल है ऐसा ही सवाल पहले ही दिसंबर 2012 के अंदर आ चुका है क्या चुका है मतलब क्वेश्चन देखिए रिसेप्ट यहाँ पे जो भी रिपीट होते हैं कोलिन रिसेप्टर इज एन आर्किटाइप ऑफ़ ऑफ कोलिन का जो रिसेप्टर है जो अभी अभी हमने पढ़ा वो किसका आर्किटाइप है वो तो किसका आर्किटाइप टाइप हो लिगैंड आयन चैनल है कोलिन की प्रेजेंस की वजह से ओपन अप होता है और ओपन अप होने से सोडियम अंदर की तरफ आते हैं सोडियम अंदर की तरफ आ रहे हैं मतलब आयन चैनल है तो लिगैंडटेड आयन चैनल ए टीपीएज ए टीपी नहीं लगती वहाँ पे कहीं पर ए टी पी एस वोल्टेज गेटेड नहीं ए टी पी कैल्शियम नहीं इंडिपेंडेंट वोल्टेज नहीं वहां पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल ओपन अप हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल से रिप्रेजेंट करेंगे देन क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट जो भी है वो आपके ए टी पी बाइंडिंग कैस्केड से है जून टू थाउजेंड ट्वेल्व के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहाँ से है तो ये ए बी सी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो ए ट्रांसपोर्ट से ए की बाइंडिंग कैसेड नाम का जो ट्रांसपोर्टर है जो कि एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है तो ये प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये पर्टिकुलरली एग्ज़ाम्पल है तो फिर आपको कहा है कि ए टी पी बाइंडिंग कैसेड ट्रांसपोर्टर के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए कि क्या वो सभी के सभी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तो ये गलत है एबीसी ट्रांसपोर्टर के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन ही होगा ऐसा कोई रूल नहीं है मतलब ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि मतलब जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं के भी है और यूक्योटिक सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट है तो सिर्फ यूकेर सिस्टम के अंदर कहना गलत है सभी के होता है ये कहना भी गलत है फिर है कि थर्ड स्टेटमेंट है कि बोथ मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन आर बोथ द मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन दैट रिकोगनाइज सबस्ट्रेट एंड ए बाइंडिंग डोमेन कि यहाँ पे जो भी है क्या है कि जो मेम्ब्रेन ये जो भी है मेम्ब्रेन स्पैनिंग मेम्ब्रेन को स्पैन करने वाली ट्रांसपोर्टर डोमेन है वो रिकोगनाइज किसे करती है तो रिकोगनाइज करती है सबस्ट्रेट को भी और सबस्ट्रेट के साथ साथ एटीपी को जो भी है वो इंटरेक्शन करती है एटीपी टी बाइंडिंग तो देखिए यहाँ पे जो भी है ये कौन सी डोमेन है तो ये ट्रांसपोर्टर डोमेन है मेमरेंट स्पेनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन है जो कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए के साथ में भी इंटरेक्शन कर रहे हैं और ए का आइडोलिस ए के अंदर हुआ जा रहा है और ये जो भी मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का भी क्या हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो थर्ड स्टेटमेंट्स आगे अफेक्ट ट्रांसलोकेशन बाय फॉर्मिंग चैनल्स क्या वो चैनल्स की फॉर्मेशन कराते हैं ये चैनल्स की फॉर्मेशन जो भी नहीं कराते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर के पास में यही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है कि उसके पास में जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन है वो सबस्टेट और ए दोनों को जो भी है बाइंडिंग डोमेन को भी रिकोगनाइज करती है तो थर्ड स्टेटमेंट जो डायग्रामेटिकली आप देख पाएंगे सही है देन क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो सोडियम पोटेशियम पम्प है सोडियम पोटेशियम एटीपीज और सोडियम पोटेशियम पम्प के बारे में मैं आपको बता दूं सोडियम पोटेशियम ये जो पंप है ये एक हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर का एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है आप कहोगे सर इलेक्ट्रोजेनिक पंप क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इट नीड मैक्सिमम एनर्जी इसे काम करने के लिए क्या चाहिए तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी कितनी चाहिए तो एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो इसको एनर्जी जो चाहिए वो ए के फॉर्म के अंदर चाहिए और सबसे सब इंपॉर्टेंट बात कि सोडियम पोटेशियम पम्प जो है वो सिर्फ यू ओनली प्रेजेंट इन तो दिस वॉज ओनली प्रजेंट इन एनिमल सेल ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है ये जो भी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है ये कहाँ पे प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम पम्प प्रेजेंट ओनली इन एन एनिमल सेल ये बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर ये प्लांट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता इलेक्ट्रोजेनिक पंप इसलिए है क्योंकि इस पंप को काम करने के लिए क्या लगती है एनर्जी की जरूरत लगती है कई ज्यादा अमाउंट के अंदर इसको ए है वो ए का जरूरत लगेगा अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँ कि अगर ह्यूमन के अंदर की मैं बात करूँ तो यून ह्यूमन जितनी हम ए बनाते हैं उनमें सेवेंटी परसेंट जो ए है वो सेवनटी परसेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट

सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एटी इज एन टेट्रामर ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो भी एक टेट्रामर है जिसके पास में दो अल्फा की सब यूनिट है दो बीटा की सब यूनिट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट इज द सोडियम एंड पोटेशियम बाइंडिंग साइट सोडियम और पोटेशियम की बाइंडिंग साइट कहाँ पे है देखो सोडियम कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं सोडियम यहाँ बाइंड हो रहा है सोडियम जो भी है वो यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो so सोडियम किस सब यूनिट के साथ बाइंड हो रहा है

पोटेशियम बोध पोटेशियम सोडियम कहां पे बाइंड हो रहे हैं है? है अल्फा के, है? के साथ में अल्फा यूनिट के साथ और ये जो पोटेशियम है ये भी कहां पे बाइंड हो रहे हैं अल्फा यूनिट के साथ ही बाइंड हो रहे तो सोडियम और पोटेशियम दोनों की जो बाइंडिंग साइट है कहां पे है अल्फा के साथ आप कहोगे सर क्वेश्चन के अंदर तो ये कहा है कि टेट्रामरिक क्वेश्चन जो भी है जून 2011 का है लेकिन अभी जो डिस्कवरीज है उसके हिसाब से ये टेट्रामरिक प्रोटीन नहीं है हैग्जामरिक प्रोटीन है एग्जामिक है मतलब इसके पास में अल्फा की दो सब यूनिट है बीटा की दो है और उसके साथ साथ अब गामा एक सब यूनिट भी एड हो चुके हैं नई डिस्कवरी के हिसाब से गामा सब यूनिट भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन कुल मिला के तो हमें बस इतना कहा था कि सोडियम और पोटेशियम की दोनों की बाइंडिंग साइड कहा है तो दोनों की बाइंडिंग साइड अल्फा सब यूनिट के ऊपर ही होती है अब सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो जून 2019 के अंदर आया अब देखिए जून 2011 के अंदर आया हुआ है उसके बाद में जून 2019 के अंदर भी क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम ए मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स सोडियम सेम पम्प भी है वो मोस्ट एनिमल सेल्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन किसके अंदर हो रहा है इंट्रेंसिक फॉस्पोराइजेशन साइट ऑफ द पंप जो भी पंप है सोडियम पोटेशियम पंप उसके ऊपर जो फॉस्पोराइजेशन हो रहा है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट क्या अफेक्ट होगा अगर क्या अफेक्ट होगा ये हमें समझना है तो उसको थोड़ा सा हमें डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा डायग्राम को जो भी है देखना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम पंप की जो वर्किंग है उस वर्किंग को हमें जो भी थोड़ा सा डिस्कस वो डिस्कस करना होगा सोडियम पोटेशियम पंप की जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ देखिए जो भी है सेल है वो सेल के अंदर से जो सबसे कुछ पहले इवेंट्स है ये अल्फा सब यूनिट है ये भी ये अल्फा सब यूनिट है ये आउटसाइड द सेल है सेल के बाहर का हिस्सा है ये सेल के जो भी अंदर का हिस्सा है सेल के अंदर से क्या हो रहा है देखिए यहां पे कहा जा रहा है तीन सोडियम बाइंड टू द साइड एक्सपोज इन साइड द सेल ये जो तीन सोडियम आयंस है ये तीनों की तीनों सोडियम आयंस कहां पे आके बाइंड हो रहे हैं तो सोडियम आयंस आके बाइंड हो रहे हैं अल्फा सब यूनिट के साथ और जो इ, अनर, इनर इनर साइड से जो ओपन है उसके साथ लेकिन ये ये तो जो इवेंट है वो इवेंट हुआ फर्स्ट जो सेकंड इवेंट है वो सेकंड इवेंट के अंदर क्या होता है तीन सोडियम तो यहाँ पे ऐसे ही बाइंड हो चुके हैं तीन सोडियम की बाइंडिंग है वो बाइंडिंग यहाँ पे हो चुकी है लेकिन तीन सोडियम की बाइंडिंग के बाद अब नेक्स्ट क्या होता है कि ए आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्पेट आता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्पेट जो भी है कन्वर्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीनोसिन डाइफॉसपिट के अंदर अंदरोसिन ट्राइफॉस्पिट इज कन्वर्टेड इन टू एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्पिट जब एडीनोसिन डायफॉसपिट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक फॉस्पिट ग्रुप जो भी रिलीज हो जाता है और ये फॉस्पिट ग्रुप कहाँ लग रहा है ठीक है यहाँ पे ये जो फॉस्पिड ग्रुप है वो फॉस्पिट ग्रुप जुड़ रहा है कहाँ पे तो इस पंप के साथ क्वेश्चन आपका यही कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर म्यूटेशन हो जाए

मतलब अगर फॉस्पोराइलेशन नहीं हो तो फॉस्पोराइलेशन नहीं होने से क्या अफेक्ट होगा ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम ओनली नहीं सोडियम बाहर नहीं जाएंगे तो पोटेशियम भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ पाएंगे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ओनली नहीं तो बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम दोनों की आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट दोनों के रुक जाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अफेक्टिविटी के ऊपर हैज नो इफेक्ट ऑन पंप एक्टिविटी बट अफेक्ट स्टेबिलिटी ये तो गलत है तो जो करेक्ट आंसर ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप को अगर फॉस्पोराइलेशन साइड के अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये आपके तीन सोडियम बाहर भी नहीं जा पाएंगे और जो दो पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं यहां पे जो भी आप देख पा रहे होंगे कि दो पोटेशियम इस लास्ट डायग्राम के अंदर रिलीज किए जा रहे नहीं हो पाए तो फॉस्पोराइलेशन जरूरी है अगर फॉस्पोराइलेशन नहीं हुआ तो ना तो फॉस्पोराइलेशन हो रहा है मतलब और फॉस्पोराइलेशन किससे हो रहा है एटीपी से एटीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है मतलब अगर फॉस्पोराइलेशन नहीं होगा तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी और एनर्जी तो चाहिए क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी एनर्जी चाहिए होती है अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी फिर ना तो सोडियम बाहर जाएंगे ना तो पोटेशियम अंदर आएंगे तो इसलिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या होना चाहिए तो प्रोबेबल जो आंसर है वो थर्ड आंसर होना प्रोबेबल नहीं हंड्रेड एंड वन परसेंट थर्ड ही आंसर है देन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर पूछ एटीपी ड्राइवन पंप्स हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी ए तो टीपी को ड्राइवन पंप्स होते हैं जिन पंप्स को काम करने के लिए एनर्जी लगती है वो क्या करते हैं ए का हाइड्रोलिसिस करते हैं ए टू ए एंड द फॉस्पिट ग्रुप ए से एडिनोसिन ड्राई से एडिनोसिन ड्राइव फॉस्पिट और फॉस्पिट ग्रुप बनता है एंड यूज द एनर्जी रिलीज टू द दम्प आयस और सोल्यूट एक्रॉस जैसे अभी कहा मैंने सोडियम पोटेशियम पंप को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो एटीपी को तोड़ता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्पिट के अंदर तोड़ता है और उसे जो बनने वाली एनर्जी है उसी मॉलिक्यूल को अक्रॉस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करता है आर मेनी क्लासेस क्लासेस ऑफ दिस ये जो हैं हैं इन pumps के कई सारे एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और ये जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाए जाते हैं विद आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दम्स इज नॉट करेक्ट पंप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो भी है नॉट करेक्ट अब देखिए जो पंप होते हैं वो पंप यफ टाइप का होता है पंप वी टाइप का होता है पंप पी टाइप का होता है और ये सपोज यफ टाइप वी टाइप थर्ड है पी टाइप और जो फोर्थ तरीके का जो ट्रांसपोर्टर होता है ये पंप होता है उसे हम कहते हैं ए बी सी ट्रांसपोर्टर उसे हम क्या कहते हैं ए बी सी ट्रांसपोर्टर तो ये चार तरीके के डिफरेंट पंप्स होते हैं पहला पी टाइप ऑफ पंप आर मल्टी पास ट्रांसमेंट प्रोटीन विच फॉस्परेलेट डेम्स ड्यूरिंग पंपिंग एंड इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट सही है और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है और आप लोगों को मैंने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में ये कुछ बातें भी यहाँ पे आप लोगों से की ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप ऑफ पंप सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल है किसका तो पी टाइप का

एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रीमियरली पम्प स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हाँ सही है एबीसी ट्रांसपोर्टर जो भी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेल के अक्रॉस बेचते हैं सेल के बाहर की तरफ जो भी है मूवमेंट कराते हैं तो ये सभी स्टेटमेंट सही है लेकिन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा ही हमें इनकरेक्ट था उनमें से इनकरेक्ट ये है कि पी टाइप ऑफ पम्प यूटिलाईजेस ए टीपी नॉट अ वोल्टेज ग्रेडियंट वोल्टेज ग्रेडियंट गलत है वोल्टेज ग्रेडियंट को जो भी है वी टाइप ऑफ पम्प इस्तेमाल कहीं पर नहीं करते क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर जो भी है प्रोटीन नोन टू बी अ ए एएमपी डिपेंडेंट क्लोरीन चैनल ये जो भी एक साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट क्या है तो क्लोरीन चैनल है जैसे कि सपोज सीएफटीआर चैनल का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ तो सीएफटीआर चैनल का स्ट्रक्चर जो भी है वो कुछ इस तरीके से है तो ये जो भी है सी एफ टी आर चैनल है और ये सी एफ टी आर चैनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये क्लोरीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरीन को रिलीज करता है लेकिन क्लोरीन के लिए रिलीज करने के लिए इसके लिए कुछ लिगेंड चाहिए और लिगेंड यहाँ पे जो काम करता है वो क्या है तो साइक्लिक एम पी फिर इसकलिक एम पी तो ये साइक्लिक एम पी डिपेंडेंट क्लोरीन चैनल है अब क्या कहा जा रहा है कि सी एफ टी आर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं म्यूटेंट सीएफटी आर प्रोटीन उनके अंदर म्यूटेंट सी एफ टी आर प्रोटीन होता है और जिनके अंदर सी एफ टी आर के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो क्लोरीन की रिजल्ट लेवलोन लेवल जो भी है एलिटेड हो जाती है स्वेट के अंदर स्वेट के अंदर क्लोरीन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी टू प्रूव दिस आपको यह प्रवक रहना है सीएफटी आर प्रोटीन बहुत वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट म्यूटेंट भी है और वाइल्ड टाइप भी है आर इंसर्टेड इन मॉडल मेब्रेन आपको क्या करना है मॉडल मेम्ब्रेन है मतलब कौन है तो मॉडल मेम्ब्रेन का मतलब यह है कि लिपोजोम है यह लिपोजोम है उस लिपोजोम की मॉडल मेम्ब्रेन है और इस लिपोजोम की मॉडल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको वाइल्ड टाइप सी को भी इंसर्ट करना है और म्यूटेंट सी को भी इंसर्ट करना है एंड क्लोरिन ट्रांसपोर्ट फॉलोड बाई रेडियो क्लोरिन रेडियो एक्टिव क्लोरिन को भी यूटिलाइज करना है इट इज नोन दैट द टोपोलॉजी ऑफ सी एफटीआर मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन सी एफ टी आर प्रोटीन की टोपोलॉजी उसके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्पाइट नो प्रोटिक डिग्रेडेशन प्रोटीन का कहीं पे प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन नहीं हुआ है ऑफ डी नेचुरेशन ऑफ सी एफ टी आर ना तो प्रोटीन कहीं पर डीनेचोर हुआ है ना तो कहीं पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ है वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर फेल टू ट्रांसपोर्ट क्लोरीन इन लिपोजम जो वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर है म्यूटेंट तो करेगा ही नहीं लेकिन जो वाइल्ड टाइप था जो नॉर्मल सी एफटीआर प्रोटीन है वो भी क्लोरीन की ट्रांसपोर्ट को कर नहीं पाता ऐसा क्यों हमें यही बताना है अभी ऑप्शन देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि टोपोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है और सवाल ये बनता है कि टोपोलॉजी का मतलब क्या है हमें सबसे पहले क्या जरूरी है टोपोलॉजी को समझना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा है कि नोन दैट द टोपोलॉजी ऑफ सी एफ टी आर मेंब्रेन प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी का मतलब क्या है समझिए कि जैसे कि सपोज ये आपके पास में कोई एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर कोई एक प्रोटीन है अब इस प्रोटीन का टोपोलॉजी मतलब इस प्रोटीन का अमाइनो टर्मिनस कहाँ की तरफ होना चाहिए Hayır, और कार्बोक्सी टर्मिनस कहाँ की तरफ होना चाहिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो भी क्लोरीन है वो क्लोरीन जो भी है वो क्लोरीन की बाइंडिंग साइड जो भी है वो कार्बोक्सी टर्मिनस है कि कार्बोक्सी टर्मिनस के ऊपर क्लोरीन यहाँ पे कहीं पे बाइंड होता है और क्लोरीन कार्बोक्सी टर्मिनस से बाइंड होते हुए क्लोरीन जो भी है वो कहाँ की तरफ जाता है तो क्लोरीन बाहर की तरफ जला जाता है तो क्लोरीन कहाँ पे बाइंड हो रहा है कार्बॉक्स डिटर्मिनस की तरफ और क्लोरिन कहाँ की तरफ जाता है बाहर की तरफ रिलीज जाता है मतलब इस प्रोटीन की टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है मतलब प्रोटीन का कार्बॉक्स डिटर्मिनस हमेशा साइटोसोल के अंदर सेल के अंदर होना चाहिए और प्रोटीन का अमाइनो टर्मिनल जो भी बाहर की तरफ होना चाहिए अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ये जो भी है डायरेक्टली हमें एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्टली हमें कह रहा है कि हमने क्या किया है कि एक लिपोजोम इस्तेमाल किया है और लिपोजोम तो मतलब आप जानती हैं कि लिपोजोम का मतलब यह है कि लिपोजोम के अंदर यह आपका जो भी है प्रोटीन लिपोजोम है मतलब लिपिड की बाई ले और इस लिपोजोम के अंदर क्या किया है कि इस लिपोजोम के अंदर जो भी है वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर प्रोटीन डाला है ये वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर है वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है वॉट इज मीन बाय वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर वाइल्ड टाइप सी एफ टी आर का मतलब है कि नॉर्मल सी एफ टी आर जिसके अंदर कोई जो भी खराबी नहीं है हमने तो वैसे किसको इस्तेमाल किया था वाइल्ड टाइप सी जो भी हमने किसे इस्तेमाल किया है वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट दोनों को इस्तेमाल किया था लेकिन क्वेश्चन देखिए लास्ट में क्या कह रहा है वाइल वाइल्ड टाइप सी एफ मतलब नॉर्मल सी एफ फेल टू ट्रांसपोर्ट क्लोरिन क्लोरीन की ट्रांसपोर्ट वो कर नहीं पाए और क्लोरीन की ट्रांसपोर्ट होगी कि नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि हमने क्या किया है क्लोरिन की ट्रांसपोर्ट हो रही कि नहीं हो रही है उसे चेक करने के लिए क्लोरीन ही ऐसा इस्तेमाल किया है कि क्लोरीन कैसा है कि क्लोरीन रेडिबल है अगर क्लोरीन रिड्यूलेबल्ड है मतलब 101 परसेंट जो भी है क्लोरीन अगर सेल के अंदर जाएगा तो वो क्या शो करेगा फ्लोरोसेंस से फ्लोरोसेंस शो करेगा अगर क्लोरीन फ्लोरोसेंस शो करने वाला है लेकिन ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के ऊपर जाने के बावजूद भी सीएफटी प्रोटीन नॉर्मल सीएफटीआर वाइल्ड टाइप सीएफटी प्रोटीन भी क्लोरीन को नहीं भेज पा रहा है प्रोटीन जो भी है डिस्पाइट नो प्रोट्यूलेटिक डिग्रेडेशन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन प्रोटीन के के अंदर के अंदर नॉर्मल कोई डिग्रेडेशन भी नहीं हुआ और कोई हुआ है, ना तो CFTR हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोटीन वो क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है क्लोरीन को क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा होगा उसके रीजन आपको दिए विच ऑफ द इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकते पहला सी एफ टी आर प्रोटीन गेट म्यूटेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ये सबसे गलत बात है क्योंकि कोई प्रोटीन म्यूटेंट नहीं हो सकता जो म्यूटेशन हो सकता है ना वो म्यूटेशन किसी जीन में होगा और जीन में म्यूटेशन होगा तो जीन में म्यूटेशन होने के बाद में क्या होगा कि जीन के अंदर म्यूटेशन होगा तो वो यमारनी के अंदर आएगा और फिर प्रोटीन जो भी है वो म्यूटेंट हो म्यूटेंट बनेगा लेकिन किसी प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन है वो म्यूटेशन नहीं हो सकता म्यूटेशन जो भी है कहाँ पे हो सकता है तो म्यूटेशन इन अ जीन तो म्यूटेशन जीन के अंदर हो सकता है तो पहला ऑप्शन जो भी ही गलत है सेकेंड सीएफटी आर प्रोटीन लूजेज एफिनिटी ऑफ अ क्लोरीन चैनल ये भी गलत है सीएफटी आर जो भी प्रोटीन है वो क्लोरीन की एफिनिटी कब लूज करेगा जब वो डिग्रेडेश डिग्रेड हो जाए या डी नेचर हो जाए डिग्रेड भी नहीं हुआ है डी नेचर भी नहीं हुआ है मतलब उस प्रोटीन का सीएफटी आर प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है इंटैक्ट है वो ना तो डिग्रेड हुआ है ना तो डी नेचर हुआ है तो क्लोरीन के साथ एफिनिटी रिड्यूस करने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है सेकंड भी गलत है सी प्रोटीन गेट गेट्स रॉन्गली इंसर्टेड इन लिपोजम यही जो भी है इसका सही आंसर है कि सी प्रोटीन लिपोजम के अंदर रॉन्गली इंसर्ट हुआ है लिपोजम के अंदर रॉन्गली कैसे इंसर्ट हुआ है कि अमाइनो टर्मिनस अंदर जा चुका है और टर्मिनस बाहर आ चुका है और अमाइनो टर्मिनस अंदर जाने की वजह से यह प्रोटीन इंसर्ट ऐसा हुआ है लिपोजम के अंदर ये प्रोटीन गलती से ऐसा इंसर्ट हुआ है जनरली अमाइनो टर्मिनस बाहर होना चाहिए और कार्बोऑक्जी टर्मिनस अंदर होना चाहिए लेकिन अब कार्बोक्जी टर्मिनस जो भी है वो साइटोसोलिक साइड की तरफ होना चाहिए लेकिन वो है ही नहीं है कार्बोऑक्जी टर्मिनस अब बाहर की तरफ है अब क्लोरीन जो है वो सेल के अंदर की जो क्लोरीन है वो क्लोरीन अब इस अमाइनो टर्मिनस के साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे तो क्लोरीन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट क्लोरीन का जो सी एफ टी आर चैनल है और रॉन्गली इंसर्ट हुआ है कार्बोऑक्सि टर्मिनस अंदर अमाइनो टर्मिनस बाहर होना चाहिए तो रॉन्ग इंसर्ट हुआ है अमाइनो टर्मिनस अंदर है कार्बोक्स बाहर है सी प्रोटीन लूज चैनल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी वो लूज नहीं कर रहा है चैनल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी चैनल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी अगर उसने लूज की होती तो 101 परसेंट अभी तक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना क्वेश्चन खुद कह देता कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आया है डी नेचुर आया है। ना तो प्रोटीन इंसर्ट करते हुए लिपोजोम के अंदर डी हुआ है ना तो डिग्रेड हुआ है अगर कोई प्रोटीन डीनेच्योर भी नहीं हुआ है इंसर्ट करते समय कोई प्रोटीन जो भी है वो डिग्रेड भी नहीं हुआ है मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट आप कह सकते हैं कि प्रोटीन एक ही रीजन बचता है कि प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसा इंसर्ट हुआ होगा रॉन्ग इंसर्ट हुआ होगा ठीक है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हमें लिपोजोम के अंदर सी प्रोटीन एक म्यूटेंट भी लेना था और एक वाइल्ड टाइप भी लेना था और लिपोजोम की मेम्ब्रेन के अंदर उन दो प्रोटीन को इंसर्ट करना था इंसर्ट किया म्यूटेंट तो क्लोरीन ट्रांसपोर्ट करने ही नहीं वाला था लेकिन जो सीएफटी आर प्रोटीन वाइल्ड टाइप का है वो भी क्लोरीन के ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था जो रिड्यूलेबल क्लोरीन है वो सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा रहा था मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट सी एफ टी आर प्रोटीन के अंदर कोई ना खराबी आई थी और क्वेश्चन ने खुद कहा था जबरदस्ती हमें कहा था कि प्रोटीन डीनेच्य नहीं हुआ डिग्रेड नहीं हुआ मतलब प्रोटीन के अंदर ना तो उसकी एफिनिटी लूज हुई है ना तो प्रोटीन म्यूटेंट हुआ है मतलब प्रोटीन क्या हुआ है रॉन्गली इंसर्ट हुआ था देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेन अ मेम्ब्रेन इज डी पोलराइज हो डी हो रही है तो हो वोल्टेज वैल्यू मोर पॉजिटिव देन अ थ्री हो थ्री वोल्टेज अब देखो माइनस फिफ्टी फाइव जो है वो माइनस फिफ्टी फाइव क्या है तो थ्री जो भी है वो वोल्टेज है और वोल्टेज होल्टेज मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज़ मेम्ब्रेन क्या हो रही है तो माइनस फिफ्टी फाइव मतलब, 55 मतलब ये है और निगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ जा रही है मतलब प्लस फोर्टी की तरफ जा रही है एट लीस्ट टू जनरेशन क्या जनरेशन होगा क्वेश्चन खुद कह रहा है ये डायग्रामेटिकली आपको यहां पर समझ में आएगा कि अगर थ्री शोल्ड से डीपोलराइजेशन होता रहा और उसके बाद में अगर वो मोर मतलब माइनस फिफ्टी फाइव से प्लस फोर्टी मिलीवोल्ट तक जा रहे हैं प्लस मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल से तो अब यहां पे क्या फायर होगा एक्शन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल फायर होगा मतलब क्या होगा एक्शन पोटेंशियल फायर होगा मतलब न्यूरो न्यूरो को रिलीज करते हैं न्यूरॉन्स क्या करते हैं तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे तो वेन मेंइज हो रही है वोल्टेज वैल्यू मोर पॉजिटिव दैन थ्री शोल्ड थ्री शोर्ड से वो मोर पॉजिटिव की तरफ जा रही है क्योंकि थ्री शोल्ड तो माइनस फिफ्टी फाइव है वहां से मोर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसकी वजह से क्या जो भी है ये होगा एक्शन पोटेंशियल डोनन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल ये दी है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल नहीं उसे हम क्या कहेंगे तो जो भी है वो एक्शन पोटेंशियल क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल तो माइनस सेवेंटी है ये कैसी स्टेट है रेस्टिंग स्टेट है एक्शन पोटेंशियल इज एन करेक्ट आंसर और एक्शन पोटेंशियल होगा मतलब क्या होगा कोई न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा मतलब वो अपने न्यूरो को क्या करेगा बाहर की तरफ रिलीज करेगा देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो के है और के सी एल की कंसेंट्रेशन कितनी है तो के सी एल की कंसेंट्रेशन दे रखी है इन्होंने हंड्रेड मिलीमोलार mm, और के सी एल जो हंड्रेड मिलीमोलार mm है उसको ट्रैप किया गया और एंट्रैप इनसाइड अ लार्ज यूनिलमिनल वेसिकल एक वेसिकल के अंदर के सी एल को क्या किया है तो जो भी ट्रैप करके रखा है तो के सी एल को जो हंड्रेड मिलीमोलार mm है उसको जो भी है यहाँ पे ट्रैप करके रखा है डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द बाई लेर कैन बी जनरेटेड जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्या किया जा रहा है अक्रॉस द बाइलेयर कैन बी जनरेटेड बाईलेयर के अक्रॉस डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं? तो जनरेट कर रहे हैं बाय डाइल्यूटिंग विद बफर कंटेनिंग। और क्या किया जा रहा है तो डाइल्यूट किया जा रहा है और डायलूट किया जा रहा है विद बफर कंटिनिंग बफर है तो क्या है तो पहला है कि फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है अब के सीएल को हंड्रेड मिलीमोलर mm के सी एल को लेमिनार यूनि लेमिनार वेसिकल के अंदर ट्रैप किया है और अब क्या करना है डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्रिएट करना है इससे डिफ्यूज करें अब देखो आपने फर्स्ट जो भी है क्या कहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या कहा है डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आपने जो हंड्रेड मिलीमूलार mm के सी एल रखा है हंड्रेड मिलीमूलर mm के सी एल रखा है उस हंड्रेड मिलीमूलर mm के सी एल में जो भी आप क्या करिए बाहर भी हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल ही रखें के सी एल रखें और के सी एल रखें और कौन रखें तो पहला ऑप्शन कहता है प्रोटॉन फोर रखें प्रोटॉन का मतलब पोर होगा मतलब किसका पोर होगा तो यच प्लस आयन का पोर होगा मतलब अंदर भी हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल है बाहर भी हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल है और आप जो भी आप एक पोर बना रहे हो और जो पोर किसके लिए है एच प्लस आयन के लिए अब मुझे बताओ यहाँ पे एच प्लस आयन का कहीं पे रोल है क्या एच प्लस आयन ना तो अंदर है ना तो एच प्लस आयन बाहर है तो इससे कोई पोटेंशियल बनने वाला है क्या बनने वाला है ही नहीं है और अंदर भी हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल है और बाहर भी हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल ही है तो दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन होंगे मॉलिकुल्स की मूवमेंट नहीं होगी सेकेंड क्या होगा तो सेकंड के अंदर हम देख सकते हैं कि सेकेंड के अंदर कह रहा है कि हंड्रेड मिलीमोलर के सी एल तो इसके अंदर है के सी एल जो भी हंड्रेड मिलीमोलर mm है और सेकेंड कह रहा है कि आप बाहर क्या रखिए या ने सी एल रखिए

अगर H प्लस आयन का मेम्ब्रेन के ऊपर पोर बन जाएगा तो अब इसकी वजह से क्या होगा के है अब के है मतलब ये K प्लस क्लोरिन के अंदर है और ये ने सी है तो क्लोरिन क्लोलिन तो ये हुआ लेकिन पोटेशियम अंदर है तो पोटेशियम जा सकता है बाहर लेकिन पोटेशियम बाहर जाने के लिए ये जो पोर है वो ये एच प्लस आयन का है तो पोटेशियम इससे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा ही नहीं पाएगा थर्ड ऑप्शन क्या है कि थर्ड ऑप्शन के अंदर कहा है कि आप क्या करो हंड्रेड मिलीमोलर के अंदर रखो और 100 मिलीमोलर के जो भी है वो आप बाहर भी रखो तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो मूवमेंट कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होगी और अब के स्पेसिफिक आयन एन फोर का इस्तेमाल करो पोटेशियम का लेकिन ठीक है के स्पेसिफिक पोटेशियम का इस्तेमाल भी कर दिया तो पोटेशियम अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो रहे हैं फोर्थ तो जो ऑप्शन है वही सही है क्योंकि आप क्या करो कि 100 मिलीमोलर के तो आपके किसके अंदर होगा इस वेसिकल के अंदर बाहर आप क्या करो एन रखो और ये कितना रखो तो हंड्रेड मिली मोलार एन रखो अगर हंड्रेड मिलीमोलार आपने ये रखा अब आप पोर जो इस्तेमाल करोगे वो पोर किसका होगा पोटेशियम आयन का स्पेसिफिक पोर होगा तो आप पोटेशियम बाहर जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं बाहर क्योंकि अब पोटेशियम की कंसनट्रेशन अंदर की तरफ तो ज्यादा है लेकिन पोटेशियम बाहर है ही नहीं है और पोटेशियम बाहर नहीं है तो आप पोटेशियम आयन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं तो फिर पोटेशियम का हमें क्या क्या क्रिएट करना था डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द एयर जो बाई है उस बाईलेयर के अक्रॉस क्या करना था डिफ्यूजन पोटेंशियल क्रिएट करना था पोटेशियम को डिफ्यूज़ होना था पोटेशियम तभी डिफ्यूज़ हो सकता है जब पोटेशियम एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है तो अंदर वो ज्यादा होगा और बाहर हो कम पोटेशियम ही नहीं है तो वो बाहर जाएगा लेकिन वो तभी तो बाहर जा सकता है जब वो अंदर ज़्यादा होगा जब अंदर भी के है और बाहर भी आप कैसे लिए रखोगे तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे ठीक है एनएससीएल का ऑप्शन हो सकता था लेकिन यहां पे एच प्लस आयन का प्रोटॉन फोर था है, तो ये भी नहीं है हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है क्योंकि हंड्रेड मिलीमोनर एन एस सी एल इस्तेमाल करो और आप जो पोर इस्तेमाल करोगे पोर मतलब मेमब्रेन के ऊपर एक चैनल बनाता है उसे प्रोटॉन फोर कहते हैं वो प्रोटॉन फोर कैसा होना चाहिए या आइनो फोर आइनोफोर का मतलब क्या होता है आइनोफोर इज एन आयन चैनल आइनोफोर इज एन आयन चैनल आयन चैनल इस्तेमाल करो और आयन चैनल स्पेसिफिकली किसके लिए इस्तेमाल करो पोटेशियम के लिए तो इसका प्रोबेबल जो प्रोबेबल क्यों करेक्ट ही कौन सा इनिशिएटिंग मसल सेल की मेमब्रेन को अगर डीपोलराइज करना है डिपोलराइज करना है मतलब क्या करना होता है तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई मेमब्रेन जो भी है वो माइनस सेवेंटी मिली होल्ड के ऊपर है और माइनस सेवनटी मिली होल्ड के ऊपर सपोज आप इसे कहते हैं कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है तो माइनस सेवनटी मिली होल्ड जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इस रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर माइनस सेवनटी मिली होल्ड के ऊपर से अगर मेमब्रेन जो भी है वो माइनस फिफ्टी मिली होल्ड की तरफ जाती है या माइनस जो भी फोर्टी मिली होल्ड की तरफ जाती है मतलब मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ मेमब्रेन चलती है तो इसे क्या कहा जाता है डीपोलराइजेशन कहा जाता है और डीपोलराइजेशन कब होगा तो डीपोलराइजेशन तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे और ये किसकी वजह से होता है तो सोडियम जो भी है पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आते आते हैं हैं और सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आते तो डीपोलराइजेशन जो भी होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सोडियम चैनल है जैसे कि इसका आपने थोड़ी देर पहले ही एक डायग्राम के अंदर इसको देखा था कि डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है तो डीपोलराइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द इंट्रेंस ऑफ द सोडियम आयंस सोडियम आयंस की एंट्रेंस की वजह से सोडियम आयंस को एंटर करने की वजह से ही क्या होता है तो डीपोलराइजेशन होता है तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो मसल सेल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल सेल्स की कॉन्ट्रेक्शन के अंदर जब होता है तो डिपोलराइजेशन कौन से आयन चैनल की वजह से होता है तो सोडियम चैनल की वजह से ही डिपोलराइजेशन होगा पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं Then, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि नर्व इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड फ्रॉम अ ट्रांजिएंट चेंजेस इन परमेबिलिटी ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन टू द सोडियम एंड पोटेशियम क्वेश्चन कह रहा है कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है और एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो ट्रांजिएंट चेंजेस की वजह से जो भी है वो होता है किसकी ट्रांजिएंट चेंजेस के अंदर इन द परमेबिलिटी ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन ऑफ़ द सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो परमेबिलिटी है ट्रांजियंट चेंज जो चेंजेस होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस की उनकी इस परमेबिलिटी की वजह से ट्रांजियन चेंजेस की वजह से क्या होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल फायर होता है ये नर्व इम्पल्स होती है डीपोलराइजेशन ऑफ मेमब्रेन बियड द थ्रिशोड लेवल थ्रिशोर्ड लेवल से अगर डीपोलराइजेशन ज़्यादा हुआ लीड्स टू सोडियम फ्लोइंग इन टू द सेल जो भी हैं सोडियम है वो सोडियम उस समय पर क्या होते हैं सोडियम और आप देखिए जनरली होता क्या है कि जनरली होता ये है कि एनिमल सेल्स की हर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है और उस प्रोटीन का नाम है जो कि ये काम करता है कि तीन सोडियम को हमेशा बाहर भेजता है दो तो पोटेशियम को वो अंदर की तरफ जो भी है लेके आता है और ये काम करने के लिए उसे जो भी ए लगती है और ए का हाइड्रोलिसिस करता है ए के अंदर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसकी वजह से हमेशा सेल के बाहर हर एनिमल सेल की बाहर की तरफ जो भी है सोडियम आयन है सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा ही होती है ऐसा क्यों है इस प्रोटीन का नाम क्या है तो इस प्रोटीन का नाम है दिस इज सोडियम पोटेशियम पम्प ये सोडियम पोटेशियम पम्प ही है जो सोडियम आयन की कंसनट्रेशन को बाहर ज़्यादा रखता है और सोडियम आयन की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है बाहर तो अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ साइड की तरफ एक आयन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो अंदर की तरफ कौन से आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो भी है वो यहां पे ज्यादा है द डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड द द्रीशोर्ड लेवल लीड्स टू द सोडियम फ्लोइंग इन टू द सेल एंड द चेंजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द पॉजिटिव वैल्यू द पोटेशियम चैनल ओपन अलाउिंग पोटेशियम टू फ्लो आउटवर्ड्स अल्टीमेटली रिस्टोरिंग मेमब्रियम पोटेंशियल टू द रेस्टिंग वैल्यू तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम है वो सोडियम अंदर ही क्यों आते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम अंदर ही क्यों आते हैं और जो पोटेशियम तो आयन के चैनल हैं तो पोटेशियम आयन के चैनल खुलने की वजह से पोटेशियम बाहर ही क्यों जाते हैं सोडियम का चैनल खोलने से सोडियम अंदर क्यों आता है और पोटेशियम जो भी है वो बाहर ही क्यों जाता है पोटेशियम का चैनल खुलने से क्लियर है तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स अब ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज क्यों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑपरेट होते हैं इसलिए तो होते हैं ना क्योंकि सोडियम की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम की कंसेंट्रेशन अंदर कैसी होती है ज्यादा होती है अगर सोडियम की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो बाहर से ही अंदर आएंगे और अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो अंदर से ही वो बाहर भी जाएंगे यही तो रीजन है तो फिर इन चार ऑप्शन में से क्या रीजन होना चाहिए हमें ढूंढना है देर इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ग्रोथ जनरेटेड बाई प्रोटोन ट्रांसपोर्ट नहीं यहाँ पे एच प्लस आयन के ट्रांसपोर्ट का प्रोटोन का मतलब एच प्लस आयन यहाँ पे तो उसका कोई रोल ही नहीं है देर इज एन डिफरेंस इन सोडियम एंड पोटेशियम कंसेंट्रेशन सोडियम और पोटेशियम कंसेंट्रेशन के अंदर डिफरेंस इन आईदर साइड ऑफ द मेम्बरेन यही बात सही है कि प्लाज्मा मेंबरेन के बाहर के तरह, की तरफ पोटेशियम की कंसेंट्रेन सोडियम की कंसेंट्रेशन तो प्लाज्मा मेंबरिंग के बाहर बहुत ज्यादा है लेकिन पोटेशियम की कंसेंट्रेशन जो भी है प्लाज्मा मेम्बर के अंदर बहुत कम है अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो भी है बहुत कम है तो पोटेशियम so, की कंसंट्रेशन जो भी ज्यादा है इसलिए देर इज अ डिफरेंस इन द सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन इन ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेमरे दोनों साइड्स की मेमरेन के ऊपर सोडियम बाहर ज्यादा है पोटेशियम अंदर है सोडियम इज एन होल्टेज गेटेड चैनल वेर इज अ पोटेशियम इज लिगैंड गेटेड सोडियम का भी लिगैंड गेटेड होता है पोटेशियम का भी लिगैंड गेटेड होता है वोल्टेज गेटेड दोनों के भी होते हैं सोडियम इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी टीपी वेर इज पोटेशियम इज नॉट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है दोनों को भी सोडियम को भी बाहर भेजना है और पोटेशियम को अंदर लाना है तो उसके लिए एटीपी लगेगा ही लगेगा बस रीज क्वेश्चन ये पूछा है कि सोडियम के चैनल खुलने से सोडियम बाहर से ही अंदर क्यों आता है और पोटेशियम चैनल खुलने से पोटेशियम हमेशा अंदर से ही बाहर क्यों आता है इसका रीजन तो यही है सोडियम पोटेशियम पंप ये सोडियम पोटेशियम पंप ने ही तो ऐसा किया है कि हमेशा सोडियम का ग्रेडियंट सेल के बाहर बनाया है और पोटेशियम का ग्रेडियंट सेल के अंदर बनाया है तो जहां पे जो चीज ज्यादा होगी सोडियम बाहर ज्यादा है तो ज्यादा है तो बाहर से वो अंदर ही आएगा और पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो अंदर से वो बाहर जाएगा तो जो मेजर है कि वो कंसंट्रेशन जो भी है आइधर साइड के ऊपर उनका क्या है डिफरेंस है तो सेकेंड आंसर जो भी है वो करेक्ट है टेन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच वन ऑफ द बिलो इज एन पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर ये जून 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से ये चार एग्जाम्पल दिए हैं तो इन चार एग्जाम्पल में से पी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर कौन सा एग्जाम्पल है अब देखिए पी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर के जो चार एग्जाम्पल हैं वो हैं एक तो होता है सोडियम पोटेशियम पंप ये एक एग्जाम्पल एक है सेकेंड जो पी टाइप ऑफ पम्प का एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम पंप थर्ड जो एग्ज़ाम्पल है वो होता है प्रोटॉन पंप और यच प्लस ठीक है ये जो भी है कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैग्नीशियम आयन कहीं पे पी टाइप ऑफ पंप से ट्रांसफर है वो ट्रांसफर नहीं होता ये फेरस या क्लोरीन भी नहीं होता तो जो पी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है उन सोडियम पोटेशियम पंप जो कि आप जानते हैं एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है कैल्शियम पंप जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है प्रोटॉन पंप जो भी बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ये पी टाइप ऑफ पंप के एग्जाम्पल है विच वन ऑफ द लिस्टेड बिलो इज बिलोइम पी टाइप आम आय ट्रांसपोर्ट तो सोडियम पोटेशियम पंप हो कैल्शियम पंप हो एच प्लस पंप हो ये पी टाइप ऑफ पंप के एग्जाम्पल है क्योंकि इनके ऊपर पी टाइप का मतलब क्या है इनके ऊपर क्या होता है फॉस्पोराइलेशन होता है और फॉस्पोराइलेशन होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं तो पी टाइप ऑफ पंप से रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट हम करते हैं ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवनटीन के बाद क्वेश्चन नंबर एटीन ये भी काफी सिंपल है द सेल मेंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द लाइसोज सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन होती है प्रोटॉन्स की प्रोटॉन्स मतलब एच प्लस आयन एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हाई होती किसके अंदर लाइसोसोम नाम की जो सेल ही उसके अंदर बिकॉज ऑफ किसकी वजह से ऐसा क्या है कि लाइसोसोम के अंदर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो भी ज्यादा होती है यहां पे आप देख रहे हैं एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहां पे जो भी लाइसोसोम के अंदर ज्यादा है इसीलिए का पी पीएच जो भी है फाइव होता है और इसीलिए वहां पर काम करने वाले प्रोटीन को का आ जाता है। ये 2018 के अंदर ज्यादा क्यों होती है तो आपको पहला ऑप्शन है एंटीपोटर इन द मेम्ब्रेन के ऊपर कहीं पे एंटीपोटर है एंटीपोटर का मतलब होता है कि एक आयन जैसे कि एच प्लस अंदर आ रहा है और कोई बाहर जो एक्स आयन है वो एक्स आयन बाहर जा रहा है मतलब कोई एक अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है तो उसे एंटीपोटर कहते हैं ऐसा एंटीपोटर है क्या यहाँ पे यहाँ पे मतलब कौन है यहाँ पे एक ऐसा पंप है जो कि ए को हाइड्रोलाइज कर रहा है एडीपी के अंदर और ए को हाइड्रोलाइज कर रहा है एडीपी के अंदर और उसकी वजह से एनर्जी लिबरेट कर रहा है वो एनर्जी से एच प्लस आयन को क्या कर रहा है अंदर से बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है साइटोसोल से एच प्लस आयन कहा जा रहे हैं तो लाइसोजोम के लुमेन के अंदर एच प्लस आयन जा रहे हैं तो मतलब ये एच प्लस आयन का ग्रेडियंट क्यों है तो एटीपी पावर्ड प्रोटोन पंप और ये जो एटीपी पावर्ड प्रोटोन पंप यहां पे प्रेजेंट है लाइसोजोम की मेम्ब्रेन के ऊपर ये कौन सा है तो ये वी टाइप ऑफ पंप है कौन सा है तो वी टाइप ऑफ पंप दिस वॉज एन एटीपी पावर्ड प्रोटोन पंप इन द लाइसोजोमलब्रेनोजोमलम्बरेन के ऊपर एटीपी पावर्ड पंप है इसी की वजह से एच प्लस आइन का ग्रेडुएट वहां पे बन रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोटोन चैनल्स इन द डिफ्यूजन हो रहा है क्या डिफ्यूजन नहीं हो रहा है एटीपी है और ए टीपी ये मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफ्यूजन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है फैसिलिटी डिफ्यूजन प्रोटॉन यूनिपोर्ट लाइन फैसिलिटी डिफ्यूजन इज एन एग्जाम्पल पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी नहीं लगती ए टीपी यहां पर लग रही है और ए टीपी पावर्ड जो भी है यहाँ पे पंप जो भी है एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है तो इसका आंसर जो भी है वो क्या है सेकेंड तो है कि यहाँ पे वी टाइप ऑफ पंप है जो एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है और साइटोसल से एच प्लस आयन को लाइसोजोम के अंदर भेज रहा है लाइसोजोम के अंदर पहले से ही एच प्लस आयन बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए तो का एसिडिक होता है लेकिन फिर भी साइटोसोल से एच प्लस आयन को अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लाइसोजोम के अंदर भेजा ही जाता है ताकि लाइसोजोम के अंदर क्या हो तो उनका जो भी एसिडिक पीएच वैसिडिक पीएच वहां पे बना रहे तो इसका जो भी सही आंसर है वो क्या है सेकेंड आंसर इज एन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देखिए काफी आसान है, है फॉस्पिनोल पायरवेट शुगर फॉस्पोट्रांसपोर सिस्टम और इसे ही कहा जाता है पीटीएस सिस्टम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ शुगर्स इनटू बैक्टीरिया ये जो पीटीएस सिस्टम है जो यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली जो भी दिखाया है ये फॉस्पोनोल पायरुवेट शुगर फॉस्पो ट्रांसपोर सिस्टम जो भी है ट्रांसपोर्टर है इस ट्रांसपोर्टर का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया के अंदर कई सारे डिफरेंट तरीके के शुगर्स को तो वैरायटी ऑफ शुगर्स को बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाता है मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है ये क्या है तो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला एक ट्रांसपोर्टर है बैक्टीरिया की प्रेजेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला ट्रांसपोर्टर है तो ये क्या करता है कई सारी शुगर्स हैं उन शुगर्स को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कराता है लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं ना एनर्जी लगती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो एनर्जी किस में लगती है तो एनर्जी ए टी पी के फॉर्म के अंदर लगती है एनर्जी जो भी है एच प्लस आइन का ग्रेडियंट जो भी है वो ये एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी लाइट है उस लाइट के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की फ्लो एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है ये कई सारे एनर्जी के सोर्स हैं ए टी पी एच प्लस आयन का ग्रेडियंट लाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी इस फॉस्पिनॉल पायरोड शुगर फॉस्पो सिस्टम के अंदर जो कि वैरायटी ऑफ जो भी शुगर्स को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी जो मिली मिलती है वो फॉस्पोइनोल पायर्विड से एनर्जी मिलती है फॉस्पोनलॉ पायरोड क्या है फॉस्पिनोल पायोरोड ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड लास्ट कम्पोनेंट है और जनरली ग्लाइकोलिसिस के अंदर फॉस्पिनल पायरवेट जो भी है वो कन्वर्ट होता है फॉस्पो इनॉल जब आपने देखा होगा कि पायोवेट पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो वो पायुर्वेड के अंदर कन्वर्ट होते समय क्या हो जाती है तो फॉस्मिनल पायर्वेट जब पायर्वेड के अंदर कन्वर्ट होता है तो ए टी पी का प्रोडक्शन होता है मतलब ये फॉस्पिनल पायर्वेड पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो यू टीपी यूटिलाइज होगा लेकिन इसको ही हम किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर कई सारे शुगर्स की ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं इन इक्वल पीटीएस कंसिस्ट ऑफ का एक प्रोटीन काम करता है ई टू नाम का काम करता है ई टू के अंदर दो वेरियंट है ई टू ए टू बी एंड ई थ्री सी ऐसे जो भी कॉम्पोनेंट है और एच पी आर नाम का भी कॉम्पोनेंट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जब प्रोसेस होती है द शुगर मॉलिक्यूल इज फॉस्पोरिलेटेड जब शुगर बाहर से शुगर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आती है तो शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है फॉस्पोराइलेशन हो जाता है शुगर मॉलिक्यूल इज फॉस्पोराइलेटेड बाई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्पेड ग्रुप फॉर्म इक्वेशन डिसंबर टू का एक सिंपल से क्वेश्चन है कि शुगर मॉलिक्यूल जो बाहर से अंदर की तरफ आती है तो शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्पोराइलेशन होता है तो शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर वो फॉस्पोराइलेशन होता है वो फॉस्पोराइलेशन किससे डायरेक्टली होता है डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ फॉस्पेड ग्रुप फॉस्पेड ग्रुप डायरेक्ट किससे ट्रांसफर होता है देखो यहाँ से फॉस्पोइनोल पायरवेड से जो भी है किसके पास में जाता है तो फॉस्पोइनोल पायोर्वेड जब पायरवेड के पास में आता है तो ईवन है उस ईवन के पास में फॉस्फेट ग्रुप चला जाता है ईवन है वो ईवन फॉस्फेट ग्रुप किसको डोनेट करता है एच पी आर है उस एचपीआर को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है एचपीआर फॉस्फेट ग्रुप किसे डोनेट करता है तो यच पी आर ई टू ए नाम के प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है E2 जो A है वो फॉस्पिट ग्रुप किसे डोनेट करता है वो E2 B को फॉस्पिट ग्रुप डोनेट करता है और E2 B के ऊपर का जो फॉस्पिट ग्रुप है वो अब किसी के पास में नहीं जाता वो डायरेक्टली किसके पास में चला जाता है शुगर के पास और वो E3 थ्री सी यहाँ पे प्रेजेंट है तो जो E2 B के पास का फॉस्पिट ग्रुप है वो डायरेक्टली किसके पास में आ गया शुगर के पास तो जो डायरेक्ट फॉस्पिट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है फॉस्पिट ग्रुप की जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है शुगर के पास में वो किस प्रोटीन से हो रही है वो ई टू बी जो भी प्रोटीन है ई टू बी बी ई टू बी और पी मतलब उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे प्रोटीन से डायरेक्टली क्या हो रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप जो भी है उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो सिंपल से क्वेश्चन है तो ये फॉस्मोइनोल पायरवेट शुगर फॉस्को ट्रांसफर सिस्टम ये इसे जो पीटीएस ट्रांसपोर्टर कहा जाता है पीटीएस ट्रांसपोर्टर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर का ट्रांसपोर्टर है जो शुगर मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ डालता है एक शुगर मॉलिक्यूल को तो नहीं वैरायटी ऑफ शुगर को ट्रांसफर करता है और जब शुगर को ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर फॉस्टपोराइलेशन करता है लेकिन फॉस्टपोराइलेशन जो होता है वो कैसे होता है तो ये कई सारे ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टरेशन के लिए कई सारे सीरीज ऑफ प्रोटीन जो भी है यहाँ पे काम करते हैं ठीक है देन नंबर के के क्वेश्चन बाद क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी है उस ट्वेंटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी है हमारा वो क्या है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है आसान है ये कह रहा है द सेल मेम्बरेन ऑफ न्यूरोन मेंटेन्स इंट्रा सेलोलर कंडीशन दैट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एक्स्ट्रा सेलोर कंडीशन ये कह रहा है कि न्यूरॉन्स की जो मेब्रेन होती है उस न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन मेंटेन करती है इंट्रा सेलर कंडीशन दैट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एक्स्ट्रा सेलोअर इंट्रा सेलूर मतलब सेल के अंदर की जो कंडीशन है से, उनको सेल के बाहर की कंडीशन से डिफरेंट मेंटेन करके रखा जाता है जैसे कि पोटेशियम आयन है पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है सोडियम आयन है तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है वही पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर कम होती हैं तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर कम होती हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और ये सेल के बाहर है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल का जो भी है कुछ अलग है ये सेल का इंट्रा सेलुलर जो भी है कुछ अलग है ठीक है सच ए डिफ्रेंस इन इंटर एंड एक्स्ट्रा आर क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल्स ये जो डिफरेंसेस हैं इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन के अंदर वो क्रिटिकल है क्रिटिकल किसके लिए है नर्व सेल्स की फंक्शनिंग के लिए एज द नर्व सेल मेंबर रिजेंबल्स अ चार्ज कैपेसिटी ठीक है अब वो कह रहा है कि जो आ, अब वो जो बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है वो किसके लिए जरूरी है तो जरूरी है न्यूरोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अब कह रहा है एज द नर्व सेल मेंबर रिजेंबल्स अ चार्ज कैपेसिटी ये कह रहा है कि जो नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन है आप उनको क्या करिए एक चार्ज कैपेसिटर की तरह कंसिडर करिए ठीक है अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल फील्ड ई अक्रॉस अ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म एंड रिजम एंड मेंब्रेन द थिकनेस ये जो मेब्रेन थिकनेस है ये कह रहा है कि सेवन नैनोमीटर है ठीक है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों मेंब्रेन के बीच का वो कितना है तो माइनस सिक्सटी मिलीवर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेब्रेन इज सिक्सटी मिलीवर कैलकुलेट द ई

पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कैलकुलेट करना है इज यूनिफॉर्म एंड द मेम्ब्रेन थिकनेस इज सेवन नैनोमीटर सेवन नैनोमीटर की मेम्ब्रेन थिकनेस है पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी आ रहा है वो क्या है तो आपका सिक्सटी मिली होट दे रखा है और मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी दे रखी है सेवनटी नैनोमीटर और अब आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है उसने ई e, और ई e का मतलब ही क्या होता है तो ई e का मतलब ही है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो भी कहा हुआ है अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जब हम पैरल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं तो पैरल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि डेल्टा वी इजिकल टू ई टी ये जो भी फॉर्मूला है जो भी हैं V का मतलब क्या है मैं बताता हूँ कि V का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है उस V का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फिर उसके बाद में E का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है और डी का मतलब है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है तो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी ये हमारे लिए फॉर्मूला है मेम्ब्रेन की थिकनेस वगैरह अब देखिए कि यहाँ पे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही है और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे हमें पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो सिक्सटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ये जो भी हम इसे लिख सकते हैं और जो भी हमें मेम्ब्रेन की जो थिकनेस दे रखी है वो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी दे रखी है तो मेम्ब्रेन की थिकनेस हमें सेवन नैनोमीटर दे सेवन नैनोमीटर मतलब टेन रेस टू सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन जो भी हम लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं तो अगर E को कैलकुलेट करना है तो E को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो सिंपल से हमें यही तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सिक्सटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन इसे करेंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा एट पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन रेस टू सिक्स होल्ड ये जो भी है आंसर आ जाएगा तो इसमें से एक ही आंसर है ये कौन सा ये एट पॉइंट सिक्स वाला एट पॉइंट फाइव सेवन आ रहा है मतलब एट पॉइंट एट पॉइंट जो भी है सिक्स तो इसका जो भी आंसर आने वाला है तो आप जो भी इसे क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं तो इसका जो आंसर है वो एट पॉइंट फाइव सेवन आ रहा है और ऐसा एक ही आंसर है कि जो एट पॉइंट सिक्स से हमारा जो भी क्या हो रहा है तो मैच हो मैच कर रहा है तो ये पर्टिकुलरली आप जो भी हैं आंसर को जो भी हमने डिस्कस किया कि जो भी आंसर इसमें से क्या होना चाहिए था ठीक है तो सिंपल फॉर्मूला है कोई बड़ी बात नहीं है फॉर्मूले को आप लोगों को समझने के लिए ठीक है तो क्या है फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला की जो भी है वो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डी का मतलब है मेम्ब्रेन थिकनेस पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है कि सिक्सटी इंटू टेनरेज टू थ्री सिक्सटी मिली होल्ड के हैं या सिक्सटी इंटू टेनरेज टू थ्री के हैं हम मेम्बरेन थिकनेस तो हमें पता थी सेवन नैनोमीटर है या सेवन नैनोमीटर को ही हमने सेवन इंटू टेनरेज टू माइनस नाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और अब उसके लिए जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो हमने किसे मल्टीप्लाई जो भी है किसे क्या किया तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और जो मेम्ब्रेन थिकनेस है उनको क्या किया तो सिंपली जो भी है उनका जो भी है सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन करके ही ये आंसर हमारे पास में आ चुका है एट पॉइंट फाइव सेवन का इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है तो थर्ड आंसर इजन इजन करेक्ट आंसर ठीक है तो ये सभी क्वेश्चंस जो भी आपके मेमरिन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थे वो सभी के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्या किए हैं तो डिस्कस और डिस्कस किए हैं तो हर क्वेश्चन को हमने इन डिटेल में डिस्कस किया हर क्वेश्चन को परफेक्टली डिस्कस किया है एनालिसिस किया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए बाकी के तीन आंसर क्यों नहीं होने चाहिए और सही आंसर वही क्यों है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके पीछे का जो भी है आइडिया क्या है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है तो आज के इंटरेक्शन के अंदर हम यहीं पे रुकते हैं आज के सेशन के अंदर थैंक यू